नुपुर शर्मा केस में विवादित बयानों से बनाई दूरी, ना रखे सार्वजनिक राय, मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की नसीहत। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस बात को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं। लगातार हर तरफ से नुपुर की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। सियादी दल भी इस मामले में सत्ताधारी बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश किया करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अपने मंत्रियों को एक फरमान जारी कर दिया है। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा, नुपुर शर्मा मामले में आप लोग कोई भी बयान ना दे। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के साथ अपने सरकारी आवास पर भी बैठक की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मंत्रियों को दो टूक ये बात कही कि वो नुपुर शर्मा के मामले में मर्यादित बयान दे, क्योंकि संगठन इस पर अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने अपने मंत्रियों से संयम बरतने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रियों से ये भी कहा कि नुपुर शर्मा का सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप लोग इस मामले में बयानबाजी से बचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फरमान को सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं, देश और प्रदेश की गरिमा के अनुरूप शासन चलाने के लिए आपके प्रति हृदय से आभार। एक राजा का यही धर्म है अराजक तत्वों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई हो जिसकी पूरे देश में नजीर बने, और कोई भी व्यक्ति अराजकता फैलाना तो दूर उसके बारे में सोचने तक की हिमाकत ना करे। जय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। वहीं कौर यूजर ने लिखा, भाजपा और उसके सहयोगी संगठन देश की शांति को लगातार पलीता लगाते आ रहे हैं, और आप समझ रहे हैं आपके धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ के न्यूज चैनल पर ज्ञानवापी मुद्दे पर नाविका कुमार के एक डिबेट शो में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद से पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नुपुर के बयान की निंदा की गई। खाड़ी देशों ने भी नुपुर के बयान पर आपत्ति जताई, और इसके बाद मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। वहीं नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।